अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार, प्रणाम आप सबके। हम बिट्टू बेसरम और आज लाइव आने का कारण है कुछ, क्योंकि सबको पता होगा कि अभी एक गाना तेरे नैना जो आशीष भैया ने गाया है, मैं आप सबको सच्चाई बताना चाहूँगा कि सच्चाई क्या है इस गाने की और क्या है। ये गाना तो लिखा हुआ मेरा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें अभी प्रिंस उपाध्याय आप सुने होंगे कि क्या क्या बोल रहे हैं, वो कैसे क्या है। जब भी लाइव हुआ है थे और ये बात उन्होंने बोली थी, ये गाना बिट्टू जी का ही लिखा हुआ है और वो अब क्लेम कर रहे हैं आशीष भैया पे बिना मतलब का कि गाना चोरी करके गवाए हैं आशीष भैया के, या आशीष भैया ने चोरी की है। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये गाना मेरा लिखा हुआ है, जितनी सारी चीज़ें इसकी ये आपको सारी चीज़ें मेरे पास हैं, गाना मैं लिखा हूँ। और उनसे भी जब गाना प्रिंस जी ने गाया था तो मैंने उनसे बोला भी था कि भैया ये गाना मेरा है। लाइव में आप लोग सुने होंगे प्रिंस जी को, उन्होंने बोला है ये बात कि हाँ बिट्टू जी ने ही लिखा है और अब आशीष भैया पे क्लेम कर रहे हैं। अगर ठीक है मैंने गाना लिखा है तो आपने मेरे गाने में नाम क्यों नहीं दिया? मेरा उस गाने में नाम तो चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए इस बात के लिए। और ना हमें उन्होंने पैसे दिए, ना कोई बात किया, ना नाम दिया। मैंने ऐसा एक दिन आशीष भैया के पास गया, मैंने सारी बातें बताई, जबकि पहले से ही हमारी बात थी आशीष भैया से इस गाने को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, तो वो बोले कि अरे घर का भाई प्रिंस है, जाने तो गा दिया है तो क्या करना है। ये सारी बातें थी इस गाने को लेकर। और बताना चाहूँगा कि फिर मैंने आशीष भैया को ये गाना दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। फिर आशीष भैया ने इस गाने को गाया, लिखा हुआ, राइट्स, जितनी सारी चीज़ें हैं, डबिंग, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और अभी प्रिंस जी बोल रहे कि मैंने चोरी किया है, उन्होंने फ़ोन करके मुझे धमकी भी दे रहे हैं, बनारस में नहीं आओगे, बनारस में आओ तुमको बताते हैं। मैंने इस गाने को लेकर उनको फ़ोन भी किया, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठाया, कई बार फ़ोन काट दिया। मैंने कहा भैया कि ये गाना मैं आशीष भैया गवा रहा हूँ, तो कह रहे तुमको बनारस में नहीं आओगे तुमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये सारी धमकियाँ दे रहे हैं वो हमको। और जितनी सारी भी चीज़ें हैं गाने को लेकर, आशीष भैया ने गाना चोरी नहीं किया है, मेरा गाना है, मैंने उनको गवाया है। मैं कहना चाहूँगा उनसे कि अगर ये सही प्रिंस जी सही थे तो अपना वीडियो जो उन्होंने लाइव में आके बोला था कि भाई बिट्टू ने ही गाना लिखा है, तो उन्होंने डिलीट क्यों किया, उन्होंने डिलीट क्यों किया मेरा गाना? मैं किसी से गाऊं, जब मेरा गाना था तो आपको नाम देना चाहिए था। अब घूम घूम कह रहे हैं कि बिट्टू ने नहीं लिखा है, और आप घूम घूम के कह बिट्टू ने नहीं लिखा है, पूरे बनारस को पता है ये बात भैया कि ये गाना मैंने ही लिखा है आशीष भैया के लिए। और ये एक साल पहले ही ये सारी चीजें आशीष भैया से बात हो चुकी थी, जितनी सारी चीजें थी हम आशीष भैया को बताए थे इस गाने को गाने के लिए। और चोरी अगर सही कही जाए तो हमारे साथ तो प्रिंस जी ने गाने चोरी किए हैं। अगर चोरी नहीं करते तो लाइव में आके बोलते हैं कि बिट्टू जी गाने लिखे हैं और नाम दूसरे का देते हैं। अगर ये बताइए मेरा गाना लाइव में बोल रहे हैं कि मैंने लिखा है, तो नाम राइटर मेरा देना चाहिए ना। अनुज तिवारी जी कोई है उनका दे रहे हैं, फोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम नहीं बना रहे। तो ये सब चीज़ें गलत है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आशीष भैया के वो गाना मैंने दिया है, मैंने उनको गाना गवाया है, गाने की सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और बाकी सब आप जनता जनार्दन है, आप जो फैसला करें वो सब आपके हाथ में है, बट सच्चाई यही है।
गाना मेरा लिखा हुआ है, मैंने लिखा, उन्होंने लाइव में भी आके बोला है, मैंने आशीष बाबा को ये गाना गवाया है, मैंने चोरी नहीं की किसी की का। और रही धमकी देने की वाली बात, तो क्या हम, मैं छोटा कलाकार हूँ भैया, आप सबके बीच में बहुत छोटा कलाकार हूँ, और दो पड़ा का मार भी खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई है छोटा हूँ, तो इसके लिए हमें कोई नहीं, लेकिन आशीष भैया को कोई ब्लेम नहीं है, आशीष भैया गाना मैंने गवाया है, ये मैं चोरी नहीं किया है ये गाना। जैसा कि प्रिंस जी बोल रहे हैं कि उन्होंने चोरी किया है, ये किया है, वो किया है, तो ये सारी बातें बहुत गलत हैं, सरासर गलत हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक बात बताइए आप, कि सामने वाला इंसान पहले दिन आके बोल रहा है कि बिट्टू ने गाना लिखा है, अब फोन करके सबसे बोल रहा है कि नहीं गाना बिट्टू ने लिखा है, बिट्टू ने चोरी करके गवाया है, वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, राइटर में अगर मैंने गाना लिखा है तो मेरा राइटर में नाम भी होना चाहिए, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं दिया। मैंने कई बार फोन करके कोशिश की कि भैया गाना लिखा है मैंने, तो नाम क्यों नहीं दिया, मैंने कहा भी कि मैं तो गाना अगर नहीं करेंगे तो मैं गाना दूसरे से गवा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, तुमको हम देख लेंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं वो। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि ये गलत है प्रिंस भैया, वैसे भी जो सच्चाई है वो सबको पता है, जो सच्चाई है सत्य की हमेशा जीत होती है, ये मुझे पता है। परेशानियां तो बहुत है भाई, धमकी दे रहे हैं तो मार सकते हैं भाई, काट सकते हैं मुझे बनारस में, मैं तो छोटा कलाकार हूं भैया आप सबके लिए, और ये मुझे लाइव आना जरूरी था क्योंकि बहुत गलत हो रही है, मैं लाइव नहीं आना चाहता था, मैंने सोचा कि भाई चलिए जाने दीजिए, जो बोलना है उनको बोले दीजिए, बोलने दीजिए, लेकिन कहना मुझे जरूरी था इसलिए मैं आप सबके बीच लाइव आया और मैंने सारी बातें आपको बताई। गाने की सारी चीज़ें मेरे पास हैं, गाना मैंने लिखा है, आशीष भैया को मैंने गवाया है, आशीष भैया ने मेरा नाम भी दिया है, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी अफवाहें हैं, बाकी सब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जान सकते, बना सभी लोगों को पता है कि गाना मैंने ही लिखा था। जहाँ तक कि ये सारी चीज़ें हैं, अभी बोला जा रहा है आशीष भैया ने चोरी किया है, चोरी किया है, भाई मेरा गाना है, उन्होंने चोरी क्यों किया, क्योंकि वो क्यों चोरी करेंगे, गाना तो मेरा है भाई, मैंने जब गवाया है। अगर प्रिंस जी को लग रहा है मैंने चोरी की है तो मुझे बोलना चाहिए भाई गाना मैंने चोरी किया है, लाइव में आके मुझको भी बताते हैं कि हाँ गाना बिट्टू ने लिखा है, अब बोल रहे हैं कि प्रिंस जी ने आशीष जी ने चोरी किया है, भाई गाना तो मैंने लिखा है ना, आप ही सब बताइए, लाइव में आके बोलिए कि हाँ गाना बिट्टू ने लिखा, आप बोलिए आशीष जी ने चोरी किया, जबकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने आशीष भैया गवाया है, आपने गाना मेरा नाम नहीं दिया, अगर आप गाएं तो नाम दे देना चाहिए मेरा, ना पैसे दिए ना कोई बात हुई, फोन करो तो फोन जो करना है तुमको कर लो, तुमको गवा दोगे तो तुमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी धमकियाँ। तो भैया मैं एक छोटा कलाकार हूँ, मैं मेरा लिखने का काम है, मैं लिखता हूँ, अगर गाना मैंने ही लिखा है, ये सारी प्रूफ और सारी चीज़ें सही है मेरे पास और हैं भी, और आशीष भैया पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो झूठा इल्ज़ाम है, बस यही कहना चाहूँगा, बाकी सब आप सबके हाथ में है, आप सब सोच लीजिए, देख लीजिए क्या है कैसे है। धन्यवाद, प्रणाम, आप और सब आपको छोड़ दे रहा हूँ मैं, क्या कहूँ मैं आप सबके लिए, गाना मेरा भी लिखा हुआ है, लोग प्रिंस जी खुद भी बोल रहे हैं गाना चोरी का है, आशीष भैया ने चोरी किया है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी कुछ चीजें मुझे YouTube पे मिली हैं, कुछ पत्रकार लोग बहुत गलत कर रहे हैं, महेश पांडे जी, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि सर अगर सच्चाई पता करनी है तो मेरे पास आइए, मैं सच्चाई दिखाता हूँ आपको, बिना तब ये बात है, बिना प्रूफ के आप कोई बात मत बोलिए, आपसे ये निवेदन है, मेरा विनती है, आप पत्रकार हैं, आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, चमचागिरी मत करिए, चमचागिरी या किसी की चीज की किसी चीज को लेकर बिना मतलब आप पहले झूठ बोलिए, ये सारी चीजें, मुझे आपसे निवेदन है, आप हमसे मिलिए, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं, गाना क्या है, कैसे है, क्या है, कॉल करिए, हमारी बातें आपको सुननी चाहिए ना, नंबर बता दो अपना,
हमारी बातें आपको सुननी चाहिए। यहाँ सामने वाला भैया नाम है तो क्या उसके पास पास प्रूफ है, क्या गाने का वो है? भाई मैंने पहले ही आशीष भैया को गाना दिया था, प्रिंस जी ने सुना, उन्होंने स्टूडियो चोरी किया, गा दिया, नाम दूसरे का दे दिया। अब हमको बोल रहे हम ही ने गाना लिखा है, लेकिन फिर बाद मैंने दूसरा दे दिए लिरिक्स में, नाम उन्होंने दूसरे का दे दिया। ना पैसा दिया, लिरिक्स में नाम दिया भाई, या तो मैंने उनको फोन, ये सच्चाई है, मैंने उनको फोन भी किया था, तो वही जो करना है तुमको कर लो, नहीं देंगे क्योंकि पूरे बनारस को ये पता है, बनारस के सभी लोग जानते हैं, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे जो भी लोग हैं जो उनके साथ, उन लोग को खुद पता है। आपको एक बात बता दूं कि अभी ये गाना अभी हम जो प्रिंस जी के म्यूजिक बनाया है, प्रिंस जी का जो म्यूजिक बनाया है, उन्होंने मुझे फोन किया था कि बिट्टू जी गाना तो आप ही ने लिखा है, ये तो सारी चीजें सच्चाई सामने है। और रही पत्रकार लोगों से मेरा निवेदन भी है कि आप सब पहले सच्चाई का साथ दें, जो सही है पहले उसके बारे में पता करें, तभी कोई बात बोला करें आप लोग, आशीष भैया चोर है या हम चोर हैं। मैंने गवाया तो चोर तो मैं हूं भाई साहब, लेकिन सच्चाई मेरे पास रहेगी तो आप इसके लिए नहीं बोल सकेंगे हमें, जितनी सारी चीजें चल रही हैं। मुझसे आप सबसे निवेदन है भैया, सही बात को आप लोग प्रकाशित करें या YouTube पर डालें, सच्चाई के साथ जाओ भाई, सच्चाई रहेगी तो हमें भी बुरा नहीं लगेगा, ना आपको बुरा लगेगा, आपका भी चैनल ग्रो करेगा, हम भी भाई कहेंगे कि हाँ इस चैनल पे सारी चीजें सही आ रही हैं। आप लोग झूठ झूठ बदनाम मत किया करिए आशीष भैया को या किसी इंसान को, उन्होंने कह दिया तो हाँ चलिए वो चुरा के गा दिए, मैंने गाना लिखा, मैं बोल रहा हूँ, मैंने दिया है उनको, सारी चीजें हैं मेरे पास, बाकी सब आप सबके ऊपर है। विनती है, निवेदन है आप सबके कि आप सब सच्चाई को जाने, और ये सच्चाई बताने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ, तो आप सब सच्चाई का साथ दें और चमचागिरी किसी चीज का मत करें, ये सबको पता है, जो जो आज बोल रहा है कि नहीं उनको पता है, उनको सब पता है। तो निवेदन है आप सबसे, आप सब सच्चाई का साथ दें, आप सच्चाई को जाने तभी कोई बात करें, और आशीष भैया चोर नहीं, गाना मैंने लिखा है, मैंने सारी चीजें उनको दी है, मैंने गवाया है, और ये गाना मेरा है, और ये प्रिंस जी जो बोल रहे हैं उनकी आत्मा जानती है, वो मुंह से झूठ बोलना है, जवान है, जवान से तो इंसान कुछ भी बोल सकता है भाई। हाँ वैसे तो इंसान का भी, हमारे मोदी जी भी हैं, उनको भी लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन काम है अपना, सच्चाई जो है तो वो तो सामने आएगी भैया। बस धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान, जय भोजपुरी समाज। आप जैसे भोजपुरी, ये तो गाना हिंदी है, और ये लोग बदनाम करे भोजपुरी भोजपुरी को करके, भोजपुरी भोजपुरी गाना हिंदी है सर, और लिखा मैंने ही है, और इस गाने का लिरिक्स ये लिखा है मैंने, अगर गाने में अलग भी मैंने किया है थोड़ा सा, आप सब सुन सकते हैं, मैंने कोशिश किया है, गाना भी बहुत प्यारा, आप सुन सकते हैं अगर सुनना चाहेंगे, कंपोजिशन भी बहुत प्यारी की थी मैंने आशीष भैया के लिए, तो आप सब सुन भी सकते हैं। तो रखते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी सी बात, मिलते हैं फिर आगे सब, आप सब भैया शेयर करिए इसको, आप शेयर करिए, बताइए सबको, प्रणाम है आप सबको, धन्यवाद। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ 99 को।